नागौर से सांसद और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की भजनलाल सरकार से छात्र संघ चुनाव को लेकर बड़ी मांग की है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर एक बयान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील करते हुए ये मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि भजनलाल सरकार को तत्काल प्रभाव से छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने इसके साथ ही हिरासत में ले गए छात्रों को छोड़ने की भी मांग की है। राजस्थान छात्र संघ चुनाव पर पिछले साल गहलोत सरकार में रोक लग गई थी। बाहुबल और धनबल के उपयोग की मसले पर कुलपतियों की राय के बाद सरकार ने रोक लगा दी थी। अब हनुमान बेनीवाल ने भजनलाल सरकार से इसे तुरंत बहाल करने की अपील की है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक पोस्ट में लिखा है कि मेरी राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील है कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में तत्काल प्रभाव से छात्र संघ चुनाव करवाने की घोषणा करनी चाहिए। छात्र संघ चुनाव बहाल करने से युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होगा। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होने से वहां पढ़ रहे छात्र छात्राओं को अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए नेतृत्व मिलता है और उस नेतृत्व के माध्यम से वो अपने कॉलेज की समस्याओं को निस्तारण के लिए उचित प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं। हनुमान बेनीवाल ने जयपुर स्थित राजस्थान यूनिवर्सिटी में हाल ही में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि रिवॉल्यूशन फीस के नाम पर छात्रों से की जा रही गलत वसूली के खिलाफ आंदोलित छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि छात्रों को भी हक और अधिकार के लिए अपनी बात रखने का अधिकार है। ऐसे में पुलिस बल के दम पर छात्र शक्ति की आवाज़ को दबाना पूर्ण रूप से अनुचित है। उन्होंने कहा कि मैंने छात्रों पर लाठीचार्ज करने का मामला संज्ञान में आते ही पुलिस कमिश्नर से दूरभाष पर वार्ता करके हिरासत में लिए गए छात्रों को छोड़ने की बात कही है। हनुमान बेनीवाल के इस पोस्ट से ये बात तो कन्फर्म है कि अब प्रदेश में एक बार फिर से छात्र संघ चुनावों को लेकर मार्ग खोल सकता है और ये भी हो सकता है कि शायद भजनलाल सरकार इसको लेकर कोई फैसला ले, क्योंकि लगातार सभी यूनिवर्सिटी से ये मांग उठ रही है कि अब छात्र संघ चुनावों को करवाना चाहिए। तो अब देखना होगा कि भजनलाल सरकार छात्र संघ चुनावों को लेकर क्या फैसला करती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।